देवगुरु बृहस्पति 20 जून 2021 से वक्री हो जाएंगे 18 अक्टूबर 2021 तक वक्रगत ही चलायमान रहेंगे जिसमें 14 सितंबर 2021 तक कुंभ राशि में चलते हुए यानी शनिदेव की मूल त्रिकोण में चलते हुए वक्री रहेंगे तो उसके बाद आप देखिए कि जो स्थितियां 14 सितंबर से 18 अक्टूबर 2021 के मध्य की है मकर राशि स्थान में चलायमान रहते हुए देव गुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे उसके बाद में मार्गी हो जाएंगे किंतु 20 नवंबर 2021 तक यहाँ जो इनकी स्थितियाँ हैं वो मकर राशि स्थान में ही चलायमान रहने वाली होगी गौर करने लायक बात यह भी है कि शनिदेव स्व स्थान में 23 मई 2021 से 11 अक्टूबर 2021 तक वक्री चलायमान रहेंगे तो फलाफल के दृष्टिकोण से देवगुरु की कोई भी स्थिति परिवर्तित होकर सामने आती है तो वो बहुत महत्वपूर्ण आधार और संकेत देने वाली होती है क्योंकि इन बारह ही भावों में सबसे अधिक कारकत्व तो प्राप्त कोई ग्रह है तो वह है देवगुरु बृहस्पति जिनकी दृष्टि में भी अमृत है तो आप यहाँ पर गौर कीजिएगा कि जब देव गुरु वक्री हो जाएंगे तो फलाफल के दो दृष्टिकोण सामने निकल कर आते हैं जन्मकालिक आधार पर आप अपनी कुंडली एक बार देखें यदि बृहस्पति की अंश गत व्यवस्था के आधार पर या फिर जन्मांग चक्र के साथ में जहां पर गुरु आपको लिखा हुआ नजर आए वहां यदि प्लस का साइन है या फिर व है तो इसका अर्थ आप समझ लीजिए कि जन्म कालिक आधार पर देवगुरु वक्री है और अभी जब बकरी हो जाएंगे तो उसके फलाफल अलग और यदि वहां प्लस का साइन नहीं है या फिर वक्री नहीं है इसका अर्थ ये है कि देवगुरु जन्म कालिक आधार पर मार्गी है और अभी जब वक्री हो जाएंगे तो फलाफल के दृष्टिकोण से एक अलग स्थिति सामने निकल कर आती है यहां हम कन्या राशि के जातकों के लिए ये चर्चा वृत्तांत लेकर हाजिर हुए हैं जो देवगुरु की स्थितियां है वो राशि से ष्ठ के साथ में चलायमान है यानी सिक्स हाउस की पोजीशन के साथ में देवगुरु चलायमान है एक तरह से आप देखें दो केंद्रों के अधिपति यहाँ प्रथम त्रिक के साथ में चलायमान रहेंगे और यहाँ जब शनिदेव की मूल त्रिकोण में देवगुरु रहेंगे आपके जन्मकालिक आधार पर बकरी और अभी जब बकरी हो जाएंगे तो सर्वप्रथम जो आपका कर्म क्षेत्र है वहाँ पर भाग दौड़ बढ़ने के साथ में सम्मान बढ़ेगा आपको कई ऐसी पोजीशंस को हैंडल करना पड़ सकता है जिसका एक्सपीरियंस पहले नहीं था किंतु एक्सपीरियंस लिया आपके साथ में एक और पोजीशन एड ऑन होती चली गई और सब कुछ परिवर्तित करने का जो रास्ता नौकरी पेशा जीवन में होता है वो यहाँ सामने आ सकता है आप देखिएगा कि जब देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश किए थे तब भी हमने आपसे निवेदन किया था कि इस समय की गतिविधि के साथ में चलते हुए जो ऋण संबंधी आधार होता है वहां पर एक पॉजिटिव अप्रोच निकल कर आने वाली होती है इसका सीधा सीधा अर्थ ये हो जाता है कि कोई भी फाइनेंशियल बर्डन लंबे समय से बना हुआ था जहां पर कोई भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच सामने नहीं थी ये समय विशेष वहाँ आपके लिए और ज्यादा अब बेटरमेंट लेकर आ सकता है छह अप्रैल के बाद अब जो 20 जून की बाद का समय है ये एक और अलग सेगमेंटेशन के अप्रोच आपके लिए लेकर आ रहा है तो वहीं पर खर्चों पर जो नियंत्रण लगना चाहिए संभावित स्तर पर वहां पर भी आप विजय प्राप्त करने वाले होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर जो परेशानियां बनी हुई थी वहां हल्के फुल्के तौर पर 14 सितंबर 2021 तक एक जो रिलीफ की अप्रोच होनी चाहिए वो भी साथ में रहेगी यहां ये याद रखा जाना आवश्यक है कि आप यदि नौकरी पेशा जीवन में कोई परिवर्तन की ओर जाना चाहते हैं और जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है वहां से लाभ के मुहाने पर आप खड़े हैं तो सबसे पहले इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि वो लाभ हासिल करने में आप थोड़ा सा धैर्य रखें और उसके बाद में जो अप्रोच आपके लिए लगातार बनी रहेगी वो चेंजेस की ओर इशारा कर ही रही है तो इसी वजह से जो एग्जिस्टिंग पोजिशन में आपको बेनिफिट मिल सकता है पहले उसको आप हासिल करें उसके बाद में ही नेक्स्ट लेवल की ओर जाना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा तो वहीं पर यह भी महत्वपूर्ण बात है कि पिता के साथ आप कामकाज में जुड़े हुए हैं वहाँ पर पोजीशंस बेटर लेवल पर रहेंगी विदेश संबंधी जो भी कामकाज के साथ में आप हैं आप नौकरी पेशा जीवन को वहाँ आगे बढ़ा रहे हैं वीज़ा संबंधी कोई इश्यू आ रखे हैं या कोई अन्यत्र तकलीफ आपके सामने है तब भी इस समय की बहुत बड़ी विशेषता आपके सामने रहने वाली है कि एक जो फ्लॉलेस अप्रोच बननी चाहिए वो निरंतर बनती चली जाती है व्यक्ति कई बार कहता है कि मैं ही वो व्यक्तित्व था जिसने लगातार मेहनत की किंतु परिणाम नहीं आए जैसे ही समय की गतिविधियां सकारात्मक हुई और हम कर्मशील हुए वहां से सब कुछ परिवर्तित करके रखने वाले हो गए ये स्थितियां आपके सामने आ सकती है भूमि संबंधित कामकाज के लिए कोई भी ऋण आप लेना चाहते हैं वहां जा सकते हैं देव गुरु बृहस्पति की जो नौवीं दृष्टि यहाँ धन भाव पर रहेगी धनागमन को बढ़ाने वाली होगी आपने किसी कामकाज के साथ में जुड़ाव को स्थापित किया अभी तक वहाँ से फाइनेंशियल गेन आपको नहीं मिले थे ये समय विशेष वहाँ पर भी आपको बेहतरी की ओर लेकर जा सकता है इसमें किसी भी तरीके के किंतु और परंतु की गुंजाइश सामने नजर नहीं आती है पारिवारिक जनों के साथ में जो तनाव है उनके सिरे यहाँ पर कम होते चले जाएंगे वहीं यदि देवगुरु बृहस्पति जन्मकालिक आधार पर मार्गी है और अभी जब वक्री हो जाएंगे तो फलाफल के दृष्टिकोण से एक अलग स्थिति सामने निकल कर आएगी वो ये है कि आप डाइजेस्टिव का अधिक ख्याल रखने वाले हों नौकरी पेशा जीवन में चौदह सितंबर के पहले किसी भी परिवर्तन की ओर जाना चाहते हैं तो ये याद रखा जाए कि हम फैसिनेशन से दूर हटें आकस्मिक निर्णय लेने से बचें स्थान परिवर्तन जैसे कोई भी गुंजाइश यहां चेंज के साथ में सामने आ रही है वहां पर भी धैर्य रखने की आवश्यकता होगी निवेदन यही करूंगा कि जहां आप चल रहे हैं वहां की पोजिशन को सिक्योर करके रखना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा यहां कई बार व्यक्ति जब धन के फ्लो को अवरुद्ध करने वाला होता है यानी कि आपके पास में धनागमन की स्थितियां हैं और आप उसको एक तरह से जो साथ में काम करने वाले लोग हैं उनके साथ पूरे तरीके से श्रेणीबद्ध तरीके से बांट नहीं रहे हैं तो एक अलग छवि आने लगती है और कहीं ना कहीं जो आपके साथ में जुड़े हुए लोग हैं वो भी दूर होने लगते हैं ऐसी समस्याओं से बचें पारिवारिक स्तर के ऊपर कोई भी कमिटमेंट आपने किया है भले ही आप कामकाजी जीवन में कितना ही व्यस्त हैं उसको निभाने की ओर जरूर जाएं तो वहीं वाणी में जानकारी मिश्रित ज्ञान का जो आधार है वो सही है किंतु वो बारंबार लोगों के सामने आने लगता है तो एक छवि के साथ में नेगेटिव इम्पैक्ट जुड़ने लगता है इमेज कही कहीं ना कहीं एम्पर होने लगती है उससे आपको पूर्णकालिक स्तर के ऊपर बचना चाहिए गृहस्थ जीवन के साथ में छोटी छोटी बाधाएं हाँ सामने निकल कर आ सकती है वहीं जब देवगुरु 14 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर 2021 के मध्य यहाँ पुनः मकर राशि स्थान में चलायमान रहेंगे संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बाधाओं से आप बचिएगा वहीं पर जो भी कामकाज क्षमताओं के साथ में जुड़े होते हैं वहां पर भी तीव्रगामी होकर आपको निर्णय नहीं लेने चाहिए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में उस समय आप जो भी डिसीजन लेते हैं उसमें लॉन्गर टर्म के अप्रोच को बनाकर रखें यदि आप एक रुपया इन्वेस्ट करने वाले थे तो उसको पांच हिस्सों में बांट यदि आप जाते हैं तो इस समय को सार्थकता के रूपक में आप पहचानने वाले रहेंगे भाग्य का सहयोग उस स्तर पर कम रहेगा तो वहीं हायर एजुकेशन के साथ में पॉजिटिविटी रहेगी वहां फ्लू निर्मित रहेगा चौदह सितंबर से अट्ठारह अक्टूबर के मध्य आप अपने जीवन की आध्यात्मिक प्रगति की ओर जाना चाहते हैं जहां आनंद की अति धारा है यह समय वहां पर भी अलग प्रवाह आपके सामने रखने वाला हो सकता है तो ये था कन्या राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का होने वाला वक्रगत आधार के साथ में परिवर्तन हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे धन्यवाद और कुटिशह आभार